इस शख्स को देखिए, नाम है इनका अनुव्रत मंडल। प्रोफाइल रखते हैं ये टीएमसी के नेता होने का। जनता के बीच पहचान है एक धाकड़ पॉलिटिशियन की, और इन्हें लेकर कहा जाता है कि पर्दे के पीछे ये वो बाहुबली हैं जो पशु तस्करी मामले में लिप्त रहे हैं और जिन पर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल में कोई छोटे मोटे या छुट भैये नेता नहीं है, बल्कि ये बीरभूम जिले के टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं। पशु तस्करी मामले में इनका नाम उछलने के बाद सीबीआई ने इन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हर बार ये सीबीआई के समनों को नजरअंदाज ही करते रहे। पर गुरुवार को अचानक इन्होंने सीबीआई कार्यालय पहुंचकर सबको चौंका दिया। पत्रिका ने सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीबीआई ने इनसे पूछताछ करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी 7 पन्नों का पुलिंदा तैयार किया हुआ था। लिहाजा अनुव्रत मंडल जब सीबीआई कार्यालय पहुंचे तो इनसे इस मामले में पूछताछ हुई। पूछताछ का क्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक पशु तस्करी मामले के संबंध में उनके दिए बयानों से इस दौरान कई अलग अलग लोगों से मिली जानकारियों का मिलान किया गया। आपको बता दें कि इस सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें कई बार बुलावा भेजा था, लेकिन हर बार वे उसे दरकिनार करते रहे। इसे लेकर उनकी ओर से खराब तबीयत का हवाला दिया गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रहे हैं। पशु तस्करी से जुड़े इस मामले में सीबीआई पहले ही कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिसमें बीएसएफ का एक कमांडेंट और तस्करी गिरोह का सरगना भी शामिल है। आपको बता दें कि अनुव्रत मंडल पहले भी कई मामलों में विवादों में रहता आया है। इसके खिलाफ कोयला तस्करी से जुड़े मामले की भी जांच चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।